हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में। बहुत ही स्वीट सी जर्नी है। जैसे ही किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पूरे परिवार में खुशी की लहर होती है। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग अ न्यू बेबी। सो मेरे साथ आज डॉक्टर सीमा है। डॉक्टर सीमा हमारे साथ को कंसल्टेंट हैं JDH के अंदर। So she is going to discuss all the things, small points for the pregnancy, जो कि हम सबको बहुत जरूरी होते हैं। 9 महीनों में हमें इन टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। So friends, stay tuned with us and know more about the pregnancy. Myself Dr. Seema Gupta, gynae consultant at Jaipur Durbin Hospital. तो आज हम मैडम और मैं दोनों आज हम प्रेगनेंसी के 9 महीने का जर्नी का डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम डेली बेसिस पे पेशेंट का देखते हैं। हर डेली कुछ ना कुछ नए नए पेशेंट्स आते हैं, सबका अलग अलग कंप्लेन होता है। तो हमने सोचा कि हम इस 9 महीने की जर्नी को आपस में डिस्कस करके आपके लिए एक बहुत ही सुलभ बनाए, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज है वो आज की डिस्कशन से काफी हद तक सॉल्व हो सकेंगे। अरे सीमा, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में तो तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी थी। मेरा जो प्रेगनेंसी है, मैं 2013 में मेरी शादी हुई थी और फिर 2014 में मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था MBBS का, पीजी का। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सेकंड ईयर में। नहीं, फर्स्ट ईयर में शादी हुई, सेकंड ईयर में प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसके सेकंड ईयर में तो बहुत काम होता है। फिर मैनेज कर लिया। मतलब फिर क्या, मतलब मेरे एग्जाम एंड में ही थे तो फिर मेरा हो गया। 5 महीने तो उसमें ही निकल गए थे पीजी में। उसके बाद मैं जयपुर आ गई थी, पहले दिल्ली से जब पीजी किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल साकेत हॉस्पिटल जो ज्वाइन किया था, तो मेरे घर से वो अराउंड 14-15 किलोमीटर दूर था। 9 ईयर्स। हाँ, बनीपाक। और फिर उसमें क्या था, उस समय कैब भी नहीं होते थे और फिर ऑटो में धक्के लगते थे, तो मैं आती थी बस से। तो मैं जो लो फ्लोर वाली जो एसी बस होती थी, अब ऐसी होती तब उससे आती थी। तो यू हैव फेस्ड अ हार्ड टाइम। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैं जाती थी। फिर जब मैंने 38 वीक हो गया, तब मैंने वहां पे सर को बोला, वहां पे मंगनूलिया सर है, तो मैंने कहा सर मुझे जाने दो, मेरा कभी भी फिर मैं बस से आती हूँ, मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो बस बोला नहीं नहीं अभी कोई है ही नहीं, तो तू आ, फिर मैं तेरे को एम्बुलेंस से छुड़वा दूंगा। तो फिर मैंने 4-5 दिन पहले दिवाली पे छोड़ा था, मतलब 2-4 दिन पहले, और दिवाली के नेक्स्ट डे मेरा डिलीवरी हो गया था। सारे पेशेंट्स को हम यही बोलेंगे कि प्लीज हमारा भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ। क्योंकि एक दिवाली पर डॉक्टर सीमा ने आके दिवाली के दिन डिलीवरी कराई थी। आई एम नॉट हियर, बट डॉक्टर सीमा दिवाली वाले दिन, वो क्या था, 3 साल पहले की बात थी वो। तो हाँ, की डॉक्टर सीमा ने अपना दिवाली पूजा एस्केप किया, नहीं कर पाई डिलीवरी करवाई। तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें हमारी फैमिली का कई फेस्टिवल्स भी छोड़ने पड़ते हैं, कई बार कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे लिए पेशेंट ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फाइनली वी हैव टू डू दिस थिंग्स, सो वेरी ग्रेट टू नो। तो मैम ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, अब आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। आपका तो 2 टाइम का एक्सपीरियंस है। मेरा तो एक डबल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव विदिति एंड द सन नमन तंवर। विदिति को तो आपने देखा है हमारी रील्स में और कई जगह पॉडकास्ट में भी उसने उसको आप लोगों ने देखा है। शी इज जस्ट कॉपी ऑफ माइन। So, उसका डेट ऑफ बर्थ भी बड़ा अच्छा है, 888 है। So, she is a lucky charm for us. So, मेरा भी प्रेगनेंसी सेकंड ईयर में हुआ एंड मेरा भी मौलाना आजाद में हुआ। मेरा भी, क्योंकि डॉक्टर सीमा भी फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो मेरा भी फर्स्ट ईयर में शादी हुआ, सेकेंड ईयर में प्रेगनेंसी हुआ। दैट टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट कि वी शुड कैरी ऑन दिस प्रेगनेंसी और नॉट। हम अबॉर्शंस के बारे में सोच रहे थे, बट फाइनली हमारी गाइड ने, हमारी टीचर्स ने, क्योंकि पूरा गायनी डिपार्टमेंट था ना, तो सारे डॉक्टर्स थे, तो एवरीबॉडी वाज देयर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एवरीबॉडी जस्ट रिफ्यूज्ड मी कि दैट की फर्स्ट प्रेगनेंसी शुड नॉट बी अबॉर्ट। या फर्स्ट प्रेगनेंसी शुड नॉट बी अबॉर्टेड, ये डॉक्टर्स का मैसेज था, एक डॉक्टर को मैसेज था। सो हमने इस बात को कैरी ऑन किया। फिर मुझे चिंता थी कि मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे पास होंगी, तो मेरी टीचर्स ने मुझे ये बोला कि बेटा पास तो हम ही लोग करेंगे ना, डोंट वरी। तो ये भी पेशेंट, कई पेशेंट पूछते कि मैम मेरा अभी पढ़ाई बचा हुआ है। हाँ। तो मैं प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती, मुझे MTP किट से दो। तो हम काफी समझाते हैं उसको, बहुत समझाते हैं कि हां, सीमा भी बहुत काउंसिल करती है, मैं भी बहुत काउंसिल करती हूं कि भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी कैरी ऑन। तो मैंने अपना प्रेगनेंसी कैरी ऑन किया। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने पूरा थीसिस लिखा। सो मेरी बेटी आज बैठ के पढ़ती रहती है, सारे दिन पढ़ती रहती है। सो ये तो बात सही है कि आपने जो प्रेगनेंसी में काम किया ना, बच्चों पे असर तो पड़ता है। तो मैंने पूरा थीसिस, मेरा पीजी का थीसिस सेकंड ईयर में लिखा था।
मेरा डिलीवरी हुआ जयपुर में, मेरे को सुबह पेन चालू हुए, रात को जाके 10 बजे मैं डिलीवर आउट हुई. सो पूरा होल डे वाज इन द पेन एंड आई वाज लाइक लास्टली तो मुझे सब कुछ फील होना बंद हो गया था. सब कुछ ही फील होना बंद हो गया था कि बाय गॉड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो. और फाइनली जब डिलीवरी का टाइम आया तो बेबी नीचे नहीं खिसक रहा था, तो मैडम सेड कि दैट सीजन करना पड़ेगा, सीजन करना पड़ेगा. मैं मर गए, मतलब सुबह से 6 बजे से रात के 10 बज गए और अभी तक है ना तो डिलीवर हुआ, अब कह रहे हैं सीजन करना पड़ेगा. तो पहले ही कर देते, पहले ही कर देते. लेकिन फिर फाइनली जैसे तैसे फंडल लगा लघु के उसको निकाला बाहर, तो बेबी वाज 3.4 kg, सो इट इज क्वाइट अ बिग बेबी. हॉस्टल का खाना खाके अब हमसे पेशेंट पूछते हैं कि मैडम हमें ना कितनी देर खड़े रह सकते हैं. मैं क्या बताऊं, मैंने तो 36 घंटे की ड्यूटियां करी है भाई. सही बात. पीजी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो हमारी इमरजेंसी ड्यूटीज होती थी, हम सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में घुसते थे, पूरा दिन पूरा नाइट, डे और नाइट और दूसरा दिन का दिन करके दिन शाम में घर पहुंचते थे. आज सुबह गए तो कल शाम में घर पहुंचे, शाम को 4 बजे, 4-5 बजे जाते थे. लेकिन थोड़ा तो था कि इतना टीचर्स भेज देती थी, बट फिर भी इतना टाइम होता तो 36 घंटे की लगातार ड्यूटीज की हुई है, 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहना, 4-4 घंटे लगातार खड़े रहना. तो अब जब पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम हम कितनी देर खड़ा रह सकते हैं, तो मैं कहा भाई हमारा तो इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना पेशेंट को मतलब कंफर्टेबल है उतना रह सकते हैं, और कंफर्ट नहीं रुका ठंडा हो तो खड़ा रहना पड़ता है. सो हमने तो पूरे नाइट ड्यूटीज भी किए, सिजेरियंस भी किए, भाग भाग के 3-3, 4-4 फ्लोर चढ़ के वार्ड अपना सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, तीनों में इमरजेंसी के अंदर ऐसे भागते रहते थे, पता ही नहीं होता था. फिर 4 बजे जब घर आते थे वो भी हॉस्टल ही पहुंचते थे, घर भी नहीं पहुंचते थे. तो जाके ऐसा गिरते थे कि भैया आप कोई उठा ले तो ठीक है, सुबह ही आंख खुलेगी, अब सोने के बाद आंख खुलेगी. तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का फर्स्ट प्रेगनेंसी का जर्नी था जो कि हॉस्टल में निकला. लेकिन बेबी अच्छी थी, हेल्दी थी, 3-4 महीने उसको रखा, फिर एग्जाम्स आ गए, तो देन माय हस्बैंड टेकन केयर ऑफ हर, सो एवरीथिंग वाज स्मूथ. लेकिन एक चीज समझ में आ गई, नॉर्मल डिलीवरी में पेन बहुत होता है. सो मैंने तो तौबा कर ली नॉर्मल डिलीवरी से. सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में बेटे के टाइम पे, दैट टाइम आई वाज प्राइवेट प्रैक्टिशनर, आई एम कंसल्टेंट, सो आई एम लिटिल कंफर्टेबल लाइफ. ऊपर नीचे घर था, ऊपर घर था, नीचे हॉस्पिटल था, तो मैनेजेबल था, कहीं आना जाना नहीं होता था, लिफ्ट होती थी आना जाना में, कोई इशू नहीं था. तो फाइनली वो कंफर्टेबल निकली, उसमें बड़े आराम से किया था. पता चला कि प्रेगनेंसी में इतनी थकान नहीं होती, वो काम करने की थकान थी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती थी. फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बाय गॉड इतनी थकान थी कि पूछो मत. सेकंड प्रेगनेंसी वाज कंफर्टेबल, उसमें अच्छा कभी खट्टा खाने का भी मन करता था, कभी मीठा भी खाते थे, हस्बैंड वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट वाज वेरी कंफर्टेबल. लेकिन उसमें फिर मैंने चुपचाप सिजेरियन करा लिया, मैंने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा. मैंने तो दूसरा करा ही नहीं फिर. सो इस तरीके से फाइनली दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अच्छे हैं. अरे सीमा, तुमने उस पेशेंट का नहीं बताया, आज जो पेशेंट आई थी जिसका अपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया था, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्या पॉजिटिव आया? हाँ, वो प्रेगनेंसी टेस्ट उसका पॉजिटिव आया. मैं वो करके भी लेके आई थी, उसके ना हल्की पिंक लाइन आ रही थी, हल्की. हाँ हाँ, तो पेशेंट कह रही थी कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है, तो हमने दोबारा कराया तो उसका पॉजिटिव आ रहा था टेस्ट. तो अब हमने पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है. अब उसका ब्लड टेस्ट फिर हमने एडवाइज किया कि एक बीटा एसीजी करा लो जिससे और कंफर्मेशन हो जाएगा, और एक सोनोग्राफी हमने ऐसे करके देखा था. सोनोग्राफी में क्या है? सोनोग्राफी में उसका अभी ज्यादा चीज नहीं, लेकिन एंडोमेट्रियम की थिकनेस मतलब बच्चा रहने के जो अंदर का जो लेयर है वो अभी इंक्रीज मिला है, ताकि इसे मे बी प्रेगनेंसी में ही चेंज हो जाए, मतलब अर्ली चेंजेस हो. बीटा एसीजी का रिपोर्ट अभी अवेटेड है. अवेटेड, हाँ. तो अगर बीटा एसीजी का रिपोर्ट कई बार ऐसे केसेस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कई बार, तो बीटा एसीजी को फिर हमें फॉलोअप में लेना पड़ेगा. तो अगर आज का उसका जो भी आता है पॉजिटिव आता है, तो हमें उसको 48 घंटे के बाद फिर से रिपीट करना पड़ेगा. और सोनोग्राफी में अगर अभी कोई अपने को बच्चे का कोई थैली या कोई जी से ऐसा नहीं दिखा, बस लेयर का थिकनेस 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था, सो दैट इज अर्ली प्रेगनेंसी, सो वी कैन रिपीट इट आफ्टर 1 week और 10 days. 10 दिन के बाद जब रिपीट करेंगे, 10-15 दिन बाद उसको वापस से भी बुलाया है समथिंग. लेकिन एक बात समझने की यहाँ है कि अगर वो हल्की लाइन आई है तो टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है. तो हमें पेशेंट को ये समझाना चाहिए कि अगर हल्की लाइन आ रही है तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज में हो सकती है, दोनों कारण हो सकते हैं. और एक तीसरा कारण भी हो सकता है कि जब बच्चा खराब हो जाता है बाई चांस, हाँ. या केमिकल प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज होती है तो भी हल्की लाइन आती है. तो जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है तो आप जरूर उसे 3 चीज समझा दीजिए कि अगर हल्की लाइन आ रही है तो उसका क्या मीनिंग होता है.
तो मैम अगर पेशेंट को इक्टोपिक भी हुआ तो उसका कैसे, उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं या उसको क्या दिक्कत होगा और कैसे उसको फॉलो अप होगा, तो उसको फिर कैसे बताएंगे? अगर उसका जैसे बीटा सीजी पॉजिटिव आ रहा है और अपन ने उसका रिपीट कराया और रिपीट अगर वो डबल नहीं होता है, क्योंकि जनरल जो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें तो वो डबल हो जाता है, लेकिन अगर वो 1.5 टाइम ही बढ़ता है, डेढ़ गुना ही है या और कम बढ़ता है, और पेशेंट को पेन भी हो रहा है या कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी होती है, तो तीनों एक ट्रायड है सिम्टम का, जिसे पता चल सकता है कि एक टॉपिक है। दूसरा फिर हम सोनोग्राफी कराएंगे, और ऐसी सोनोग्राफी जनरली हमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करनी चाहिए, यानी कि जो नीचे से वजाइना से जो हम लोग सोनोग्राफी करते हैं वो वाली हमें सोनोग्राफी करनी चाहिए, जिससे कि हमें एग्जैक्टली लोकेट कर सकें कि बच्चेदानी के जो बाहर की जो दोनों नलियां हैं उनमें तो कहीं कोई प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम या कोई जीस है क्या, और कोई ऐसा कोई चीज तो नहीं दिख रही है, या कोई ट्यूब फट गई है, क्लॉट्स है, या कोई अंदर पेट के अंदर ब्लड है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें सोनोग्राफी में पता चल जाएगी। तो सोनोग्राफी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। तो अगर पेशेंट तुम्हें फोन करे या तुम्हें पूछती है कि उसको पेन हो रहा है या कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे तुरंत अपन सोनोग्राफी के लिए बुला लीजिएगा, जिससे कि अपन उसे कंफर्म कर सके। ठीक है। और कई बार पेशेंट में पूछता है कि वैजाइनल सोनोग्राफी नहीं कराने में कोई, इससे ब्लीडिंग हो जाएगा, बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा क्या सच में होता है क्या वैजाइनल सोनोग्राफी से कुछ ऐसा होता हो? नहीं डॉक्टर सीमा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपन जब भी सोनोग्राफी करते हैं तो अपन वजाइना के अंदर से कर रहे हैं, और कई बार बाई चांस अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो हो सकता है उसके सर्विक्स पे कोई पहले से घाव रहे हो, जिसको टच करने से हो सकता है उसको स्पॉटिंग हो जाए, बट एज सच सोनोग्राफी करने से किसी को ब्लीडिंग नहीं होती है। और प्रेगनेंसी की शुरुआत में, यानी कि जो पहला महीने की जो अपन सोनोग्राफी करते हैं, उसमें तो टीवीएस इज द ओनली थिंग जिससे कि हमें ये पता चल पाता है कि बच्चे का इतना छोटा सा होता है, 6 mm 4 mm सा छोटा सा, बहुत छोटा उसमें शायद टीवीएस में जल्दी भी दिख जाता है प्रेगनेंसी, एक दो हफ्ते पहले हम एब्डोमिनल वाली से कंपेयर करें तो ट्रांसवेजाइनल में जल्दी हमें डिटेक्ट हो सकता है। दो हफ्ते का जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि वो दो हफ्ते पहले हमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में पता चलता है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में दो हफ्ते लेट पता चलता है। तो अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक की कोई संभावना है तो हमें पेशेंट को काउंसिल भी करना चाहिए, समझाना भी चाहिए, और उसको फॉलोअप में भी रखना चाहिए, और उसका प्रॉपर पता रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस उसका अगर एक्टोपिक है, ट्यूब के अंदर बच्चा है, और अगर वो फट जाती है तो मरीज की जान जा सकती है, तो बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि पेट के अंदर काफी सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है और पेशेंट को बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है अगर पेशेंट डॉक्टर के पास टाइम पे ना पहुंचे। और मैम कुछ ऐसा बीटा सीजी का कट ऑफ भी है कि टीवीएस में इस कट ऑफ पे दिख जाएगा और एब्डोमिनल में इस कट ऑफ पे दिखेगा? 1500 यूनिट के आसपास का अपन कट ऑफ लेके चलते हैं, बट आज ही का तो केस देख लो कि एक पेशेंट का 320 आ रहा था, हमने दोबारा रिपीट कराया, वो उसे डिक्रीज हो गया, 301 आ गया, और अब आज हमने उसको दोबारा बुलाया था 3-4 दिन बाद, तो आज उसने बीटा सीजी कराने के लिए मना किया, फिर अपन ने उसका सोनो किया। सो दीज आर द बुकिश थिंग्स, बट डेफिनेटली वी कैन फॉलो सम गाइडलाइंस, बट 100% कैन हैपन। उसका सोनो में तो तुम्हें देखी गया कि अब आ गया, तो अपन आपको ये क्लियर हो गया है कि कट ऑफ का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस आल्सो। बट ठीक है, अब यदि आप सोचो कि अगर उसका ये ही जी सैक ट्यूब के अंदर दिखता तो अब तो मैम पेशेंट तो पेशेंट का इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता, तो मैम अब इक्टोपिक होता तो पेशेंट को सिम्टम्स तो आपने बता दिए है ना, सिम्टम्स तो वो लेके आ जाएगा कि मेरे को पेन हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, डेढ़ कल है, अब उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? उसका दूरबीन डाल के एंडोस्कोपिकली या लेप्रोस्कोपिकली उसका वो जो ट्यूब फट गया है उस ट्यूब को पूरा हमें हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेशेंट की जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि जब ट्यूब फट गई तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण मरीज की जान को खतरा हो जाता है, और ये काम आराम से लेप्रोस्कोपिकली संभव है, इजीली हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो हमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी। और मैम कई बार पेशेंट बोलते हैं कि ये एमटीपी किट से हो जाएगा क्या मैम, जो नॉर्मल अबॉर्शन वाली पिल्स आती है उससे एक टॉपिक भी हो जाएगा क्या, हम इंजेक्शन लगा लेंगे क्या? डॉक्टर सीमा, लेकिन वो ब्लीडिंग का होगी, पेट के अंदर होगी, तो वो हमें पेट के अंदर वाली ब्लीडिंग, तो पेशेंट के लिए मैसेज है कि भाई हमें एमटीपी किट एक टॉपिक प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। अगर आपको डायग्नोस हो गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको कोई भी गोली दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह के से ही लेना है, उसमें स्पेसिफिकली मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शंस लगते हैं, वो ही लगाने होते हैं, वो भी तभी जरूरी तभी ले सकते हैं जब तक कि आपकी ट्यूब रप्चर नहीं हुई है और जी सेक का साइज, यानी जो बच्चे की जो थैली बनी है उसका साइज काफी छोटा होना चाहिए, उसके स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उसके बिना आपको इंजेक्शन नहीं दे सकते। आप क्राइटेरिया बता दीजिए डॉक्टर सीमा।
इंजेक्शन लेने से पहले हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे तो उसके पहले हमें हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, लिवर ठीक होना चाहिए, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, ये सब हमारे ठीक होने चाहिए। बीटा एसीजी का लेवल भी 5000 के अराउंड से कम होना चाहिए। जो जी सेक मतलब जो बच्चे का साइज है वो भी 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तभी आप इंजेक्शन ले सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आपके बच्चे में हार्ट बीट आ गई है नली में भी और साइज भी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है और हार्ट बीट नहीं भी आई है तब आप नहीं ले सकते, या आपका LFT डिरेंज है, आपका ब्लड कम है, तब भी आप नहीं ले सकते हो। तो मेथोट्रेक्सिन इंजेक्शन की काफी गाइडलाइन है। सबको डॉक्टर बनाने जा रहे हैं लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट हमेशा हार्मफुल होता है, तो डॉक्टर सीमा की बात मत जाइए, आप डॉक्टर के पास आइए, प्रॉपर डॉक्टर सीमा से आके कंसल्ट कर लीजिए, मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, या आपके पास जो भी डॉक्टर आजू बाजू अवेलेबल है उसके पास जाइए, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करिए क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि हमने इतने साल की पढ़ाई करी जब जाके हमको डिसीजन ले पाते हैं, आप सिर्फ एक पॉडकास्ट सुन के अगर आप ट्रीटमेंट करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य करता ही ये नहीं है कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट करें, बट डेफिनेटली हम आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप सही टाइम पे सही जगह से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और सिर्फ प्रेगनेंसी ऐसा नहीं कि बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर ही होती है, यूट्रस के बाहर भी होती है, ट्यूब के अंदर भी हो सकती है, ओवरीज के अंदर भी होती है, और कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि प्रेगनेंसी पल कहाँ रही है, सिर्फ बेटा एसीजी बढ़ता जाता है और ढूंढते ही रह जाते हैं पूरे पेट में कि आखिर प्रेगनेंसी है कहाँ। तो ऐसी स्थिति में बेटा एसीजी एक सहारा होता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, ग्रोइंग है। जैसे इस स्थिति में कई बार पेट के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है, आंतों के अंदर प्रेगनेंसी बन जाती है, वो कितनी जानलेवा होती है। तो हम लोग तो खैर देखते हैं, बट आप लोग तो देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, आप जानते भी नहीं है, इसलिए एटलीस्ट पॉडकास्ट से इतना जरूर सीखना है कि प्रेगनेंसी को कभी भी हल्के से नहीं लेना है। लेकिन यदि आपको प्रेगनेंसी है तो ऐसा दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है, ऑलवेज सेलिब्रेटिंग होता है, बेबी घर में आ रहा है। मैम एक पेशेंट मेरे को याद आ रहा है कि है ना ऐसा है था कि एक लड़की थी, उसने ना MTP किट विदाउट कंसल्टेंसी खा लिया था, है ना कि उसने उसको बिना सोनोग्राफी खाया। पहली बात तो हमें बिना सोनोग्राफी के खानी नहीं चाहिए थी उसको, पर फिर उसने छुपाने के लिए कहीं से मेडिकल स्टोर से कर लिया, खा लिया है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके ट्यूब में प्रेगनेंसी, अभी आपने एक टॉपिक का एग्जांपल दिया तो मुझे याद आया कि वो इंसिडेंस कि उसका फिर जैसे उसने MTP किट खाया, पहली बार तो खानी नहीं थी, अब खा लिया तो ट्यूब में जो प्रेगनेंसी थी वो रप्चर हो गई और अंदर उसके ब्लीडिंग हो गया जो भी है। फिर वो पेट दर्द का जो उसका कंप्लेंट था तो उसके घर वाले वहां फिजिशियन वगैरह के लेके गए पेट दर्द के लिए, वहां पे उसका सोनोग्राफी वगैरह हुआ, सीटी स्कैन तक भी शायद उसका हुआ था ना, पर उसका कुछ नहीं आ रहा था, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, फ्लूट लिख रहे थे उसके पेशेंट ने, वो हिस्ट्री छुपाई हाँ। कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था और उसके लिख रहे थे, बताना नहीं चाह रही थी, और उसका लिख रहे थे कि पेट में फ्लूड है, तो सब फिजिशियन है सबका उस एसाइटिक फ्लूड के साइड ही डाइवर्ट हो रहे थे, भाई क्यों है फ्लूड, ये तो कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाया। तो उसका हीमोग्लोबिन 4-5 था आई थिंक। फिर उसके बाद अपने पास किसी के थ्रू रेफर होके आई थी हाँ कि अब क्या चीज हो सकती है। फिर हाँ इमरजेंसी में था, रात की बात थी, 8-9 बज रहे थे, अपना जाने का ही टाइम था, बाइंड अप अपन ने OT कर दिया था, फिर अपन ने उसका UPT किया वहां पे, तो वो निकल गायनेकोलॉजिस्ट था ना, हमें तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट ही दिखता है, हमने तो उसका तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट किया हाँ, और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते तो सारी कहानी घूम गई। फिर हमने उसे हिस्ट्री ली, उसने एक्सेप्ट किया, उसके मदर फादर भी प्रेजेंट थे। लेकिन अब सबके लिए मैसेज ये है कि मदर फादर अगर आपके आप अनमेरिड भी हो, आपको प्रेगनेंसी हो गई है समहाउ कैसे भी, अगर आप अपने घर वालों से अपने मदर फादर को नहीं बताएंगे और समहाउ आपकी प्रेगनेंसी इस स्टेज पर पहुंच गई कि आपकी जान जाने की स्थिति बन गई है, तो आपके मम्मी पापा तो इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे कि बेटा कोई नहीं, ट्रीटमेंट तो कराओ, वो तो बाद की चीजें हैं, जो है सही है गलत है वो तो बहुत बहुत दूर की चीज है। तो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट आप अपनी सच्चाई बताइए, क्योंकि अगर वो लड़की टाइम पे हिस्ट्री देती तो उसकी बिल्कुल ये स्थिति नहीं बनती कि 4 ग्राम हीमोग्लोबिन पे मरने की स्थिति में वो किसी अस्पताल एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर हो रही है, डायग्नोसिस नहीं बन रहा है और गलत ट्रीटमेंट हो रहा था क्योंकि हिस्ट्री छुपा ली गई थी। अब जब तक आप डॉक्टर को हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो हाउ कैन एनीबडी विल डायग्नोस। ये तो हम लोगों का तो रात दिन का काम होता है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही पेशेंट पहुंचते हैं, कभी गलत कभी सही, और कभी 4 ग्राम कभी 3 ग्राम कभी 6 ग्राम, तो अपना तो रोज का काम है, अपन ने तो डायग्नोस कर लिया और लड़की की जान बच गई, क्योंकि जैसे हमने उसका दूरबीन से ऑपरेशन किया तो पूरा ब्लड यू हैव सीन कि 3 से 4 लीटर तो उसके पेट के अंदर ब्लड निकला, फिर उसका ट्यूब फटा हुआ था, उस ट्यूब को निकाला, फिर उसके 4 यूनिट हमने ट्रांसफ्यूज किया और 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ा, तब जाके वो लड़की बिल्कुल सही डिस्चार्ज हुई।
तो इस तरीके की नौबत आप लोगों को ना आए, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसी भी कोई स्थिति है, प्रेगनेंसी हुई है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, यूपीटी आपका पॉजिटिव हो सकता है, फेंटली पॉजिटिव हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्यूब में बच्चा हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, पेट के अंदर हो सकता है, तो बहुत सारी जगह हो सकता है, और सबका एक ही इलाज नहीं कि आपने एमटीपी किट खा लिया। इसीलिए सरकार ने एमटीपी किट मेडिकल स्टोर पे बेचना इलीगल है, काउंटर नहीं मिलेगा, इलीगल है। आपको हमेशा एक गायनिकोलॉजिस्ट से ही, उसके प्रिस्क्रिप्शन से और गायनिकोलॉजिस्ट के हाथ से ही लेनी होती है। लेकिन अब इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, तो एमटीपी किट भी मिलता है, तो आप लोगों की जान का खतरा भी होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, पेशेंट ये पूछता है कि अब उसका लेप्रोस्कोपी से सर्जरी कर दिया आपने एक टॉपिक का, तो आप पूरी ट्यूब निकालते हैं या पूरा छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ही निकालते हैं, क्या करते हैं आप? ट्यूब तो पूरी ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी केस आए हुए हैं कि एक जगह किसी ने ट्यूब निकाल ली लेकिन वो पूरी नहीं निकाल ली, तो दोबारा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई उसी ट्यूब में, जो ट्यूब का स्टंप छोड़ा था, पार्शियल ट्यूब छोड़ी थी, उसी में वापस से, जो मैंने लास्ट केस किया था उसमें तो स्टंप भी नहीं था, फिम्ब्रिल एंड था सिर्फ, उसमें था वो, मेरे पास फोटो भी है, मतलब वो दूसरी ट्यूब से भी स्पर्म आके मुझे पूछते है कि मैडम प्रेगनेंसी कैसे होगी, मैं कहा प्रेगनेंसी होने के दो डाइवर्ट एंड्स है, मतलब जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिनकी नसबंदी हो जाती है उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिनकी कॉपर्टी लगी है उनकी भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और जिनके सब कुछ है नॉर्मल है, हस्बैंड भी नॉर्मल है, वाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो दैट इज अ टू डाइवर्ट, मतलब बहुत ऐसे एंड्स है कि जिनको हम कभी कह नहीं सकते कि क्या होगा, वी आर ऑल डूइंग, मतलब हम सब अपना रोल अदा कर रहे हैं इस दुनिया में। और फिर पेशेंट पूछता है कि मैम एक ट्यूब तो मेरी निकल गई, अब एक ही बची, क्या उससे मेरे को बच्चा लग जाएगा? हाँ डेफिनेटली, अगर आपकी एक ट्यूब खुली है तो डेफिनेटली उससे बच्चा लग जाएगा, और अपन लोग जब भी सर्जरी करते हैं तो अपन दूसरी ट्यूब टेस्ट भी कर लेते हैं, खुली है या बंद है, क्योंकि उससे आपको दोबारा सर्जरी नहीं करानी पड़ती, नहीं तो अगर हम उस टाइम नहीं चेक करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसके ट्यूब का स्टेटस क्या है, तो मतलब एक ट्यूब के साथ भी प्रेगनेंसी लग सकती है, एक ट्यूब के साथ भी, ओवरी के साथ भी लग सकती है, हाँ। और अगर आधी यूट्रस है तो भी लग सकती है, क्योंकि अगर आपको यूट्रस का पता हो तो दो यूट्रस होते हैं जो जुड़ के एक बनते हैं, तो अगर एक साइड का यूट्रस भी है तो उसमें आज ही यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस, एक पेशेंट का था, एक साइड का यूट्रस था बड़ा नॉर्मल, और राइट साइड में रूडिमेंट्री हॉर्न था, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, उसको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो उसका हम लोगों ने सर्जरी किया था लास्ट टू लास्ट मंथ, अक्टूबर में हमने उसका सर्जरी किया था, और उसके भी ट्यूब ब्लॉकेज का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसका ट्यूब हमने खोला था, और यूट्रस का नीचे से हमने दूरबीन डालकर उसका साइज थोड़ा सा बढ़ाया था, जिसको कैविटी एनहांसमेंट बोलते हैं। आज वो पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके आई थी, तो वी आर बोथ आर वेरी मच हैप्पी कि चलो इट वॉज अ सक्सेसफुल केस, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई, और ट्यूब ब्लॉक होती है या ऐसी कोई समस्या होती है तो डेफिनेटली अगर सर्जरी कराई जाती है और एफर्ट अच्छे से की जाती है तो रिजल्ट भी आते हैं। और इसके साथ ही एक वो पेशेंट भी याद है डॉक्टर सीमा आपको, कौन सी वाली मैम, जिसका सेप्टम किया था, जिसने ऑलरेडी दो बार ऑपरेट करा लिया था और उसका सेप्टम नहीं हट रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो उसका तो आपको अच्छे से पता है कि उसका सर्जरी अपन ने किया, दूरबीन से उसका सेप्टम हटाया, फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई, उसको बेटा भी हुआ, उसने मेरे को फोटो भी भेजा कि मैडम मेरे को बेबी हो गया है, अब तो उसका बेबी भी 6 मंथ का हो गया होगा, तो लड्डू भी खाए। सो इस तरीके से अच्छे रिजल्ट आते हैं, सर्जरी सही होती है तो डेफिनेटली। अरे डॉक्टर सिमा, उस पेशेंट का तो आपने फॉलोअप ही नहीं दिया, उसके दो यूट्रस थे जो बाइकॉनवेट यूट्रस था, दो बच्चे दानी थे, एक में उसका प्रेगनेंसी अपना सोनोग्राफी में पॉजिटिव आया था, उसका आगे क्या चल रहा है? उसका मैम ठीक चल रहा है, उसका अभी तो 6-7 मंथ चल रहा है, तो बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो दोनों उसके जो यूट्रस है दोनों नॉर्मल साइज की थी, तो एक साइड में लेफ्ट साइड में ठहरा है उसका, अभी 6-7 मंथ चल रहा है, तो उसका ग्रोथ वगैरह सब ठीक चल रहा है, तो हाँ पेशेंट को भी चल जाएगा भी, पेशेंट को कोई कंप्लेन भी नहीं है, उसके जो बच्चेदानी का मुंह का जो लेंथ हम देखते हैं वो भी सब ठीक चल रहा है, ग्रो भी वेट भी ठीक है बच्चे का, ऐसा कुछ अभी दिक्कत नहीं है, पेशेंट को भी कोई कंप्लेन नहीं है। तो ऐसे जिसके दो यूट्रस होते हैं जो जुड़े नहीं होते हैं, तो उनमें भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो आराम से 6-7 महीना 8 महीना आराम से चले जाते हैं, और यदि बाद में कोई डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ आए तो फिर हमें उसका नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो फिर हम उसका सिजेरियन प्लान कर लेना मोस्ट प्रोबेबली, ताकि सेफली से अपन उसे निकाल सके और कोई दिक्कत नहीं आए।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन आज प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इतनी सारी कहानियां हो सकती है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पूरा पॉजिटिव हो सकता है, पूरा नेगेटिव हो सकता है, या बीच में भी फंस सकता है, हल्की लाइन भी आ सकती है, उसके बाद में बीटा सीजी बढ़ सकता है, घट सकता है, उसके बाद भी आपको जी सैक यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, बच्चा ट्यूब में हो सकता है, यूट्रस के बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, पेट के अंदर हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, बच्चे के लिए काफी जगह है, वो कहीं पे भी हो सकता है उसका। सो उसका मन करेगा वहां जाएगा। डोंट टेक लाइटली द लाइट लाइन इन द प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर वो लाइट है तो इट इज वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि एक टॉपिक हो सकती है, बच्चा खराब हो सकता है और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दो गहरी लाइनें आ रही हैं, दैट मींस इट इज अ हैप्पीली हैप्पी प्रेगनेंसी। बट हियर आल्सो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमेशा रूल आउट करनी होती है, और अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कभी नहीं करना होता है। तो अभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव आया है, अभी पूरी 9 महीने की जर्नी बाकी है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में आप अपना ध्यान कैसे रखें, फिर हम उसके बाद अगले महीने का लाएंगे, उसके बाद अगले महीने का। तो हमें तीन पार्ट में लाएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस, हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ ट्यून रहे। थैंक यू। आपने नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया और बेल बटन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में और भी जानना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करेंगे तो आपको हमारे वीडियो का लिंक मिलेगा, और एक लिंक ये भी मिल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना होता है, और बिना डॉक्टर की सलाह के एमडीपी किट नहीं खानी होती है, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती है, मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिसपे आप हमारा डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं और डॉक्टर सीमा आपके लिए एक अच्छा सा पॉडकास्ट लेके आएंगे और आपको बिल्कुल लाइट वे में, अच्छे वे में समझा देंगे कि एक्चुअली में किसी चीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है। थैंक यू, बाय बाय।